वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। 29 नवंबर के करेंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में आज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो ये कि नौ सैनिक अभ्यास मिलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, और इस क्वेश्चन को आपकी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ध्यानपूर्वक आज की इस वीडियो को देखिएगा, बने रहिए लास्ट तक, इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि दमन दीव तथा दादरा और नागर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 8। ठीक है, लोकसभा द्वारा दो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय हो गया है, और इन दोनों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिससे कि अब ये 8 की संख्या में हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने हांगकांग में लोकतंत्र की मांग हेतु चल रहे प्रदर्शनों का समर्थन करके संबंधी एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया है प्रदर्शनों का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमेरिका। जी हाँ, माना जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से चीन और अमेरिका के रिश्तों में खटास आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं कि जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साल 2020 में आयोजित होने वाले नौ सैनिक अभ्यास मिलन की मेज़बानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। तो ये आपका अपना देश भारत करेगा, यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस अभ्यास की शुरुआत 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 1995 में इस अभ्यास की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि किस पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर को उत्तरी श्रीलंका प्रांत का गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, ये हैं श्रीलंका के पूर्व स्पिनर यानी कि क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत में जापान का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सतोशी सुजुकी। सतोशी सुजुकी यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसको लिख लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दिया है। तो ये हो जाएगा 30 अक्टूबर 2020, यानी कि ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 30 अक्टूबर 2020। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। बाकी इसका यदि पीडीएफ आप प्रोवाइड करना चाहें, सॉरी पाना चाहें, तो हम यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।